हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी रेसिपी बाय सुमन दहिया। और आज हम बना रहे हैं बेसन के बूंदी के लड्डू। आज मंगलवार भी है और हनुमान जी का वार है, तो हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। आओ बेसन छान ले। कटोरी बेसन ले लिया मैंने, ये इसे छान लेते हैं, सारे को छान लेते हैं। बेसन हमने छान के तैयार कर दिया है, बेसन भी ये निकला है बेसन में से। अब इसको एक साइड में रख देते हैं। अब हम उठा लेते हैं ये भिगोना, और भिगोने में बेसन को पलट लेते हैं। बेसन थोड़ा मोटा है, उठा लेते हैं चमचा और इसमें पानी डालते हैं और चलाते रहते हैं इसको। इसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, बेसन में बड़ी जल्दी गांठ पड़ जाती है। इसे हम चलाते रहेंगे थोड़ी देर और पानी डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। एक भी गांठ नहीं पड़ने दी मैंने इसमें। थोड़ा पानी और डालते हैं क्योंकि हमें पतला बेसन बनाना है, ये पकौड़ी के जैसा। अब हम इसे चलाते रहेंगे। अभी हम इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे। यदि आपको एकदम इसी कलर के लड्डू बनाने हैं तो आप इसमें कुछ मत डालना, वरना हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये पीला कलर है, थोड़ा सा डाल देते हैं हम इसमें। डाल देते हैं, थोड़ा सा ही डालना है मैंने एक चुटकी। इसे मिला देते हैं। बेसन हमारा बन के तैयार हो गया है, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। आप इसी तरीके का बनाना, थोड़ा सा चला देते हैं इसे। कलर भी घुल गया है इसमें और कोई गांठ नहीं रही, एकदम बहुत अच्छा बेसन हो गया है ये देखो। अब हम इसमें थोड़ा सा खाने का सोडा डाल देते हैं, ये देखो डाल देते हैं, और मिला के इसे 2-3 मिनट के लिए एक साइड में रख देते हैं। इतना हमारा ऑयल गरम होता है, ऑयल गरम कर लेते हैं। आप इसे घी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं ऑयल में बनाऊंगी इनको। ऑयल गर्म होने तक, ऑयल गर्म होने का इंतजार करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, थोड़ा सा गर्म ऑयल इसमें भी डाल देते हैं। इसे चला देते हैं बेसन को। अब बेसन चेक कर लेते हैं, वो ऑयल चेक कर लेते हैं बेसन डाल के। वाव हो गया, करते हैं तैयारी, बनाते हैं बूंदी। बनाने के लिए मैंने ये वाली छलनी ले ली है। आओ बनाते हैं बूंदी। ये भरा और ये डाल देते हैं। बूंदी नीचे बनने लगी है, हम इसे हिलाएंगे नहीं बर्तन को, बूंदी खुद से खुद आएगी नीचे निकल के।
बूंदी हमारी बनने लग रही है एकदम। देखो गोल बूंदी बनी है, बनके तैयार हो गई है। थोड़ी सी करारी करेंगे इनको, बूंदी हमारी ये बनके तैयार हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, इसे निकाल लेंगे। क्योंकि सारा ऑयल भी नीचे निकल जाएगा, इसमें ऑयल भी नहीं आना। अभी हम एक बार और बूंदी निकालते हैं। बेसन इस पे छलनी पे डालते रहेंगे चमचा भर भर के, और नीचे बूंदी निकलती रहेगी। अभी बूंदी को हिलाने के नहीं, कुछ भी नहीं करने के, ये अपने आप से ही ठीक हो जाएगी। अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा करके हिला देते हैं। बूंदी हमारी बन के तैयार हो गई है। छलनी से हम सारी बूंदी बाहर निकाल लेंगे ताकि ऑयल ना इसमें आ सके। ये देखो बिल्कुल भी ऑयल नहीं आ रहा है इससे, छलनी से। अब हम आपको सारी बूंदी बना के दिखाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। बूंदी बन के तैयार हो गई है। इधर चाशनी बनाते हैं, गैस जला लेते हैं। हमने ये कटोरा है, यही मैंने बाउल उसका लिया था भर के बेसन का, और यही हमने चीनी का भर लिया है। अब कढ़ाई में डाल देते हैं इसे। और यही एक बाउल हमने पानी डाल दिया है, ये थोड़ा सा सवा बाउल हमने पानी का डाल दिया है इसमें। एक बाउल चीनी, सवा बाउल पानी। अब हम इसे चलाते हैं। इसकी चाशनी हमें थोड़ी सी चिपचिपी बनानी है बस, तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। अब हम इसे चाशनी को बना के अभी मिलते हैं आपसे। चाशनी उबलने लगी है। अब हम चाशनी में 4-5 इलायची कूट के डाल देते हैं। साथ के साथ कूट ली है मैंने ये इलायची, डाल देते हैं ने। और इसमें चाशनी में मैं हल्का सा कलर डाल देते हैं। अभी से चला देते हैं चाशनी को। इतने हमारी चाशनी बन के तैयार होती है। इधर हम खरबूजे के बीज डाल देते हैं। ये एक कटोरी मैंने खरबूजे के बीज ले लिए। इनको हमने साफ कर लिया क्योंकि इनमें एक दो छिलका भी आ जाता है, तो इसलिए हमने इनको बीजों को एकदम साफ कर लिया है। और कढ़ाई में डाल देते हैं, हल्का सा भून लेंगे हम इनको। खरबूजे के बीज को हमने थोड़ा रोस्ट करना है, और जब ये अच्छे से हो जाते हैं ना करारे से, तो ये लड्डू में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी मैं आपको रोस्ट करके इन्हें दिखाती हूँ। खरबूजे के बीज रोस्ट हो गए हैं, और देखो अभी इन्हें ठंडा कर लेते हैं। और मैंने ये प्लेट में निकाल दिए हैं। अब देख मिलते हैं आपसे, चाशनी की तैयारी चल रही है उधर।
चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसमें बूंदी डाल देते हैं। यदि आप बूंदी थोड़ी बहुत रायते के लिए भी रख सकते हो इसमें से, यदि आप रखना चाहो तो। अब हम इन्हें अच्छे से मिला देंगे। ये भी डाल देंगे खरबूजे के बीज। अब बूंदी हमने अच्छे से मिला दिया। अब इन्हें 2-3 मिनट के लिए हम ढक कर रख देते हैं। अभी मिलते हैं आपसे। ये हमारी बूंदी चाशनी में एकदम तैयार हो गई है और सब चाशनी भी खत्म हो गई है इसमें, क्योंकि सब चाशनी जितनी थी वो सब बूंदी में चली गई। अब हम इसे देखो कितनी सॉफ्ट हो गई है। ये एकदम बूंदी एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे इसमें पलट लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। उसे ठंडा कर लेते हैं, फिर हम इसके लड्डू बनाते हैं। मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। बूंदी ठंडी हो गई है और अब हम इनका लड्डू बनाते हैं। थोड़ा सा ऐसे करके मिला लेंगे ना। अभी इतना सा ले लेंगे हाथ पे। आप छोटे बड़े कैसे भी लड्डू बनाना। ये देखो ऐसे लड्डू बन जाएंगे। और बनाते हैं अभी। जब आपकी ये ठंडी हो जाएगी ना, जब ये ठंडा हो जाएगा चाशनी और ये बूंदी, तो लड्डू अपने आप बन जाएंगे। गरम चाशनी के लड्डू फट जाएंगे, नहीं बनेंगे। ये देखो ऐसे बन जाएंगे। अभी हम सारे बना के आपको दिखा देते हैं। लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अब हमने थोड़ा सा पिस्ता पीस के रखा था, इन पर डाल देते हैं सब पे। थोड़ा थोड़ा पिस्ता डाल देते हैं। लड्डू तैयार हैं। आप भी बनाना और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बनाना ज़रूर आप। मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में। बाय।